जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों में टिकट बंटवारा भी शुरू हो गया है। इन दल बदलू नेताओं की बहार जोरों पर है। भाजपा में नेताओं के इस्तीफों की झड़ी भी लग गई है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश में चुनावी सीजन की वापसी हो गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों में टिकट बंटवारा भी शुरू हो गया है। इस चुनाव में किसी पार्टी का बाहर आए या ना आए, लेकिन दल बदलू नेताओं की बहार जोरों पर है। जहां जेजेपी, इनेला और कांग्रेस आए हुए लोगों को भाजपा टिकट दे रही है, तो वहीं उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद भाजपा में नेताओं के इस्तीफों की झड़ी भी लग गई है। नाराजगी तो सभी दलों में है, लेकिन भाजपा की नाराजगी तो खुले मन से नजर आ रही है। किसको मनाए, किसको रोके, ये भाजपा को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सभी मोह माया से तर भाजपा अपना सोशल इंजीनियरिंग सेट करने में लगी है। बीजेपी ने राज्य के कुल 90 सीटों में से 67 सीटों पर कैंडिडेट के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने दो बार चुनाव हार चुके उम्मीदवारों पर दाम नहीं खेला और 40 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। बीजेपी ने 3 मंत्री सहित 9 विधायकों के टिकट काट दिए हैं, लेकिन कैंडिडेट के चयन में जातीय और सियासी समीकरण को साधने का पूरा ख्याल रखा गया है। बीजेपी ने हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए ओबीसी, जाट, ब्राह्मण, पंजाबी समुदाय पर चुनावी दांव खेला है। बीजेपी ओबीसी पंजाबी वोटों के सहारे हरियाणा की सियासत में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रही है, जिसके चलते 2014 और 2019 में सरकार भी बनाई है। बीजेपी एक बार फिर से उसी फॉर्मूले पर ही कायम है, लेकिन साथ में जाट और ब्राह्मण वोटों को भी साधने का बड़ा दांव चला है। इसलिए बीजेपी ने सूबे के जातीय समीकरण को देखते हुए उम्मीदवारों को उतारा है। हरियाणा में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समुदाय की है, यही वजह है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार ओबीसी से उतारे हैं। बीजेपी ने ओबीसी से 16 प्रत्याशी उतारे हैं। इसके बाद 13 टिकट जाट समुदाय के नेताओं को दिए हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए 9 कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी ने दलित समुदाय से 13 टिकट दिए हैं, लेकिन सभी आरक्षित सीटों पर ही उतारा है। बीजेपी ने 8 पंजाबी, 5 वैश्य, 2 राजपूत, 1 सिख जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ओबीसी चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी नायब सिंह सैनी को सौंपी थी। तभी तय हो गया था कि बीजेपी की नजर ओबीसी वोटरों पर है। हरियाणा में 56 साल बाद ओबीसी ने नायब सैनी के रूप में मुख्यमंत्री मिला है। प्रदेश में 5 दशक से ज्यादा समय के बाद नायब सैनी अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आगे करके बीजेपी चुनाव में किस्मत आजमा रही है, जिसके चलते कोशिश ओबीसी वोटों को साधने की है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में भी ओबीसी पर बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने ओबीसी से 16 प्रत्याशी उतारे, जिसमें गुर्जर, यादव, कश्यप, कुम्हार, कंबोज, राजपूत और सैनिक समाज को जगह मिली है। पार्टी ने जगाधरी, लाडवा, कैथल, इंद्री, समालना, रेवाड़ी, रानिया, अटेली, नागला, चौधरी, कोसली, बादशाहपुर, सोहना और टिंगाव सीट पर ओबीसी उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा गुर्जर और यादव पर दांव खेला है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 5 गुर्जर चेहरों को मैदान में उतारा। इनमें मनमोहन भड़ाना के अलावा कुंवरपाल गुर्जर, लील राम गुर्जर, तेजपाल तंवर, राजेश नागर शामिल है। बीजेपी ने जिन 5 अहिर नेताओं पर दांव लगाया है, उनमें से आरती राव, अभय सिंह यादव, अनिल डहीना, लक्ष्मण सिंह यादव और नाव नरबीर सिंह शामिल है। हरियाणा में जाट समुदाय की सियासी ताकत को देखते हुए बड़ा सियासी दांव चला गया है। राज्य में जाटों की आबादी करीब 28 से 30% है। बीजेपी ने जाट समुदाय से 13 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में हारे ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु जैसे जाट नेताओं को फिर से उतारा। नारौन से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया है, तो बादली से ओम प्रकाश धनखड़ को प्रत्याशी बनाया है। कैप्टन अभिमन्यु को मात देने वाले जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम को बीजेपी ने जरूर अपने साथ मिलाया, लेकिन नारौन के बजाय सफीदों से टिकट दिया। जाट समुदाय से बीजेपी से कलायत विधानसभा सीट से कमलेश ठांडा, पानीपत ग्रामीण सीट से महिपाल ठांडा, टोहाना सीट से देवेंद्र सिंह बबली, नलवा सीट से रणधीर पनिहार, लोहारू सीट से जेपी दलाल, बाढ़ला सीट से उमेद पातुवास, दादरी सीट से सुनील सांगवान, तोमीर सीट से श्रुति चौधरी, महम सीट से दीपक हुड्डा, गढ़ी सांपल किलोई सीट से मंजू हुड्डा, बादली सीट से ओम प्रकाश धनखड़ और नारौन सीट से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया। पार्टी ने जिस तरह जाट समुदाय से प्रत्याशी उतारे हैं, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी हरियाणा में जाट वोटरों को इस बार साधने की कवायद में है। बीजेपी ने हरियाणा में ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए बड़ा सियासी दांव चला है। पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश की। बीजेपी ने इस बार 9 ब्राह्मण समुदाय को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने रोहतक लोकसभा से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को गोहना सीट से उम्मीदवार बनाया है। 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा से लोकसभा चुनाव हार गए थे और अब उन्हें विधानसभा में उतारा। इसके अलावा कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा को प्रत्याशी बनाया, जो पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आने वाले राजकुमार गौतम को सफेदों सीट से उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा उचाना कला से देवेंद्र अत्री, बहादुरगढ़
सीट से दिनेश कौशिक, गुड़गांवा सीट से मुकेश शर्मा, पलवल सीट से गौरव गौतम, पिथला सीट से टेकचंद शर्मा, बल्लभगढ़ सीट से मूलचंद शर्मा को प्रत्याशी बनाया। राज्य में ब्राह्मण वोटर बड़ी संख्या में है, जिसे साधने के लिए बीजेपी ने उनकी आबादी से ज्यादा टिकट दिए हैं। बीजेपी ने दलित समुदाय को 13 टिकट दिए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशी बनाए। बीजेपी ने अनुसूचित जाति के जिन नेताओं पर दाव खेला, उनमें से खारपदा सीट से पवन कुमार, रतिया सीट से सुनीता दुग्गल, कलावली सीट से राजेंद्र देसु जोधा, बवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि, कलनौर से रेणु डाबला, झज्जर से कप्तान विधाना और शाहबाद से सुभाष कलसानों को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने दलित समुदाय में वाल्मीकि, धानुक, बावरिया और बाजीकर के साथ जाटव समाज को टिकट देकर साधने का दाव चला। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक पंजाबी समुदाय के से 8 उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में बीजेपी के साथ पंजाबी मतदाता मजबूती से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते उसकी आबादी के लिहाज से टिकट देकर साधने का दाव चला। बीजेपी ने वैश्य समाज से 5 प्रत्याशी उतारे हैं। वैश्य समुदाय से बीजेपी ने ज्ञानचंद गुप्ता, कमल गुप्ता, विपुल गोयल, घनश्याम सरफा और असीम गोयल को टिकट दिया। इनमें से विपुल गोयल को छोड़कर चारों मौजूदा विधायक भी हैं। बीजेपी ने बिश्नोई समुदाय से 2 और राजपुर समुदाय से 2 प्रत्याशी दिए हैं। इसके अलावा एक सिख समुदाय को भी उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के जरिए एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने की रणनीति अपनाई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।